हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही बढ़िया से ऑर्गेनाइजर्स, जिसे आप यूज़ कर सकते हो बिना किसी ड्रिल, बिना किसी स्क्रू के। बहुत ही इजीली आप इसे यूज़ कर सकते हो। और अगर आप किसी रेंटल अपार्टमेंट में रह रहे हो जहाँ पे आपको ड्रिल वगैरह करना अलाउ नहीं है, तो आपके लिए ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इस बहुत ही यूजफुल सिंक ऑर्गेनाइजर से। और इसे आपको सिंपली अटैच करना है आपके टैप के ऊपर। तो इस स्टील के रैक पर आप रख सकते हैं स्पॉन्ज, स्क्रबर या फिर लिक्विड सोप। बर्तन साफ करने के बाद जो भी स्पॉन्ज या फिर स्क्रबर वगैरह होते हैं, उसमें पानी रहने से उस स्पॉन्ज में एक बहुत ही बैड स्मेल आने लगती है। तो उसे अवॉइड करने के लिए आप इस तरीके के रैक का यूज कर सकते हो, जो इजीली किसी भी साइड में मूव भी हो जाता है। इसे मैंने परचेस किया था अमेजोन से जस्ट 299 रुपीज में। अकॉर्डिंग टू प्राइस ये बहुत ही बढ़िया है और उतना ही यूजफुल भी। सो नेक्स्ट है ये स्टेनलेस स्टील का 4 बार किचन टॉवल हैंगर, या फिर आप इसे वॉश बेसिन में टॉवल वगैरह हैंग करने के लिए यूज कर सकते हो। और अगेन, इसके लिए भी आपको कहीं पे भी ड्रिल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ एक सेल्फ एडहेसिव टेप आपको मिल जाता है, जिसमें सिंपली आपको इसे लगाना होता है। तो जिस जगह पे आपको इसे लगाना है, सबसे पहले उस जगह को आप क्लीन कर ले, ताकि इसके ऊपर जो भी डस्ट वगैरह है वो ईजिली क्लीन हो जाए। और इसके साथ जो टेप दिया हुआ है, इसे सिंपली अटैच करके सिर्फ आपको इसे स्टिक करना है। तो काफ़ी कम जगह इसके लिए लगती है, और एक साथ 4 से 5 किचन टॉवेल्स या फिर नैपकिन्स वगैरह आप इसमें होल्ड कर सकते हो। तो देखा आपने, बहुत ही आसानी से ये अटैच भी हो गया है और काफ़ी स्टडी भी है। तो इसे भी मैंने परचेस किया था जस्ट 299 रुपीज़ में, और इसकी भी परचेस लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो नेक्स्ट है ये मल्टी फंक्शन डोर हुक। तो इसे आप यूज कर सकते हो बाथरूम में कपड़े वगैरह हैंग करने के लिए, या फिर वार्डरोब में पर्स या फिर जो ज्वेलरी वगैरह होती है उसे हैंग करने के लिए, या फिर किचन में कई सारे यूटेंसिल्स हैंग करने के लिए आप इस बहुत ही यूजफुल हुक का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है ये एक्सपांडेबल टेंशन रॉड, जिसको यूज कर सकते हो आप बाथरूम में शॉवर कर्टन्स वगैरह लगाने के लिए, या फिर अगर आपके वार्डरोब में कपड़े वगैरह हैंग करने के लिए कम जगह हो तो वहाँ पे भी आप इसे यूज कर सकते हो। इस रॉड को एक्सपांड करके आप किसी भी जगह पर इसे ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो, और इसके लिए भी आपको कहीं पर भी ड्रिल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पर इस टेंशन रॉड का एक डिटेल में वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के एंड में दे दूंगी। आप उस वीडियो पर जाके इसकी पूरी डिटेल्स भी चेक कर सकते हो। इसके लिए हमें स्क्रू या फिर ड्रिल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए रेंटल अपार्टमेंट में इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अगर आपके घर पर कहीं पर भी कई चीज़ें हैंग करना चाहते हो, वो भी बिना ड्रिल के, वो चाहे हेवी हो या फिर लाइट, तो उसके लिए आप इस तरीके के सेल्फ एडहेसिव हेवी ड्यूटी हुक का यूज कर सकते हो। किचन हो या फिर बाथरूम या फिर गार्डन या फिर आपके गैलरी में कई सारे चीज़ों को हैंग करने के लिए आप इस तरीके के हेवी ड्यूटी सेल्फ एडहेसिव हुक का यूज कर सकते हो। बिना वॉल को डैमेज किए, बिना किसी स्क्रू या फिर ड्रिल के, बहुत ही आसानी से आप इस तरीके के यूजफुल ऑर्गेनाइजर का यूज करके आपके घर को ईजिली डेकोरेट और आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आई होप कि ये आज का वीडियो आपके लिए ज़रूर यूजफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए, ऐसे ही नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचने के लिए।